इस रास्ते का दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रेचेस में से एक है। सिनिक पटाख वाले पेड़ जो है एक साइड में, हाँ। पाइन वाले पेड़ जो है वो दूसरे साइड में है ना। Hey, good morning everyone and welcome back to A Bit Travel. तो आज है हमारा सेकंड डे कोटागिरी, थर्ड डे एंड द चेकआउट डे। ये जो व्यू है इसको अभी छोड़ के जाना होगा। We loved this place. Yes, the view is amazing. Mm. तो मस्त है, आज तो बस बैंगलोर वापस जानी है। बट हाँ, वो रास्ता तो वही ऊटी वाला होके है। तो आते टाइम हम हैपिन वाले बेंड वाले में आए थे, है ना। जाते टाइम वो गुडलूर पैकरा वाला होके जाएंगे। राइट, दो तीन देखने की जगह है रास्ते में, तो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, चलेंगे। हाँ, तो क्या निकलते हैं फिर यहाँ से अभी? चलो एकदम गाड़ी में मिलते हैं ना। चलो तो मेन रोड टच कर लिया हमने। तो यहाँ से सबसे पहले हमने लगाए एक लेक है, सैंडी उल्ला लेक है ना, ऊटी के पास। तो उसको देखेंगे फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। हाँ। तो यहाँ से कुछ 32 किलोमीटर है घंटे भर के आसपास। तो बाकी हम जहाँ पे थे, ग्रीन नेस्ट रिसॉर्ट, कैसा था एक्सपीरियंस? स्ट्रिक्टली एवरेज, लोकेशन वाइज एक्सेप्शनल, ठीक है। 10/10 में भी, 10/10 मतलब 20 दे दो 10 में से, ठीक है, लोकेशन वाइज। यस, और उसके सराउंडिंग्स एंड ऑल अगेन 20/10, ठीक है। बाकी जो है 5/10, यस, ऐसे कर सकता हूँ, है ना। द कंडीशंस ऑफ रूम, द फूड, सर्विस, एवरीथिंग। मतलब दरवाजे में लॉक ना लगे, लगे तो खुले ना, खुले तो लगे ना, टैप में पानी बह जाए और वो उसको ठीक करने के लिए आपको बहाने दे। और ऐसा नहीं कि हमारा लास्ट मोमेंट बुकिंग था, ऑलमोस्ट दो हफ्ते पहले हमने बुक किया करा था। राइट, तो वही सिर्फ लोकेशन ही एक यूएसपी है उसकी। एंड रिसोर्ट का आउटर काफी अच्छी है, बट इनर को अगर उसी हिसाब से मेंटेन करते इट हैड बीन बेटर। रूम्स के अंदर के जो कंडीशंस हैं, यस, दोज आर स्ट्रिक्टली एवरेज, तो सोच लेना अपना, है ना। हाँ। बाकी रिसोर्ट का जो अप्रोच रोड है मेन रोड से निकल के, आपने देखा थोड़ा बहुत ग्लिम्स उसके, इट इज इंटरेस्टिंग। अगर आप नए ड्राइवर हो तो थिंक अबाउट इट फ्यू टाइम्स, क्योंकि इजी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही शार्प चढ़ाई है एंड देन ट्रिकी है, और उसकी पार्किंग भी उतनी इंटरेस्टिंग है जितनी की अप्रोच रोड की इनिशियल चढ़ाई है मेन रोड से, तो प्लान अकॉर्डिंगली। तो कुछ नहीं, अभी तो जैसे हमने बोला एक दो पॉइंट्स देखते हुए फिर हम बैंगलोर की तरफ चलेंगे और दूसरा वाला रास्ता लेंगे, गुडालूर पैकरा वाला। तो कोई ना, अभी ये वाला अभी क्रॉस करते हैं, एकदम लेक के पास पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं। हाँ, तो भाई साहब हम जा रहे हैं लेक के बाजू में, बट पानी बिल्कुल नहीं है, एब्सोल्यूट सूखा पानी, मतलब बॉटल लेके आना पड़ेगा, वो 20 लीटर की जार जो है ना, वरना अपने नेट से टैंकर मंगानी पड़ेगी इधर भरो लेक देखो और फिर जाओ तो कुछ नहीं, निकल जाएंगे, अभी लेक में पानी नहीं है तो फिर क्या करेंगे रुक के फालतू का। आगे देखते हैं, वो कुछ 6th mile 9th mile पॉइंट्स कुछ है, वो थोड़ा सा ग्रीन टॉप रहती थी, ग्रीन टॉप है, हाँ, वो हो सकता है अच्छी दिखे, बट डिपेंड, अगर बाहर से लगेगा कि अच्छी दिख रही है तो फिर रुकेंगे, अदरवाइज ऑल द वे टू डाउन, है ना, सीधा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ से हमने गुडालूर लगाया है फिलहाल, विच इज 42 किलोमीटर, एक 1 hour 20 minutes के आसपास, है ना, उतरना है मोस्टली राइट। भाई साहब, तो अभी ग्रीन वैली तो और ग्रीन नहीं है, इट्स ब्राउन वैली। यू कैन सी सामने वाला जो है
इसका नाम है वल्लक डाउन्स नेचर ट्रेल। ये बारिश के बाद बहुत सुंदर दिखती है, एकदम है ना ऐसा ग्रीन कार्पेट बिछा हुआ टाइप लगता है, लश ग्रीन एकदम। तो अभी तो कुछ है नहीं, तो हम साइड साइड से होते हुए निकल लेंगे। राइट, अच्छा अगर आप लोग पहली बार आ रहे हो तो यू कैन एक्सप्लोर इट, अच्छी सीनिक जगह है। ये कैसा दिखती है, हमारे पुराने किसी क्लिप में होगी तो हम शेयर कर देंगे। हमारे पुराने एक ब्लॉग है जहाँ पे हमने ये गुडलूर वाले रास्ते में जितने सारे स्पॉट है देखने के लिए उसका एक बनाया था वीडियो, मैं उसको कार्ट में छोड़ दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हो। है ना, तो कोई ना चलो आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ भी ऐसे रुकने के लिए होगा तो रुकेंगे, अदरवाइज चले जाएंगे एकदम। सामने का पहाड़ देख रहे हो, माय गॉड एकदम ऐसा लग रहा है कि दीवार खड़ी है, ह्यूज एकदम। और अभी ये हेयरपिन वाला रास्ता है नीचे उतरने का एकदम, तो यहाँ से कुछ और से 12 किलोमीटर गुडलूर आधे घंटे के आसपास थिंक हेयरपिन बेंड खत्म होगी और फिर आ जाएंगे, है ना गुडलूर। हाँ तुरंत आ जाएंगे, फिर वहां से एकदम घर के लिए लगा देंगे डायरेक्टली। ये गुडलूर वाला रास्ता इज वेरी गुड, NH 181 ऐसा कुछ है। हाँ, ना स्टिफ एकदम उतराई है ना चढ़ाई है, वैसा कुछ भी नहीं है, काफी फ्लैट टेरेन टाइप लगती है एकदम। हाँ, और चौड़ा रास्ता है। हाँ, वो गाड़ियों का आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी टू ड्राइव, वेरी इजी टू ड्राइव। सो हम ये थोड़ा सा एक रुक गए थे, है ना। इस रास्ते का दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रेचेस में से एक है, सिनिक वाला, यहाँ पे सारे के सारे पटाखे वाले पेड़ जो है एक साइड में, पाइन वाले पेड़ जो है वो दूसरे साइड में, है ना, बहुत सुंदर लगती है एकदम, छांव रहेगी यहाँ पे। यस, और ऊपर का जो व्यू है इट्स अनबिलीवेबली गुड, मस्त दिखती है एकदम। तो हम बस थोड़ा सा एक क्विक सा ब्रेक ले लिए यहाँ पे, अभी बस नीचे उतरेंगे, है ना, यहाँ से हार्डली और 15 मिनट गुडलूर, तो यहाँ से एकदम घर लगा देते हैं। नहीं और रुकेंगे तो हम कर्नाटका पहुँचने के बाद, कर्नाटका के अंदर जाने के बाद ही रुकेंगे कहीं पे, तो लगी नहीं है, है ना, क्योंकि इसके गुडलूर के बाद फिर मधुमलाई फॉरेस्ट आएगी, देन बांदीपुर आएगी, सब क्रॉस करने के बाद फिर रुकेंगे मोस्टली, करेक्ट है ना। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, नीचे उतरते हैं। सो ये पहुंच गए हम गुडलूर, यहाँ से घर एकदम 264 किलोमीटर 4.5 घंटे के आसपास। बस ये जंगल क्रॉस करने में जितना टाइम थोड़ा लगेगा, डेढ़ घंटे तक तो लगता ही है। हाँ, क्योंकि मैसूर एक्सप्रेस वे में तो ज्यादा टाइम नहीं लगती, हार्डली डेढ़ घंटा, डेढ़ से दो घंटा मैक्स, करेक्ट। तो मस्त है, यहाँ का चक्का ब्लॉक क्रॉस करते हैं, फिर मधुमलाई जब एंटर करेंगे तब दिखाते हैं। हाँ, तो भाई साहब खाना पीना कर लिया हमने, थोड़ा सा रुक गए थे हम। ये मधुमलाई के एंट्री गेट के जस्ट बाहर ही है, काफी सारे छोटे छोटे केरलियन रेस्टोरेंट खुले हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे या और ठीक ठाक सा खाना मिल जाएगा आपको, नथिंग फैंसी, वेरी बेसिक बट हाँ मतलब मिल जाएगी, नॉर्मल दाल चावल नूडल्स, है ना, रोटी सब्जी एंड ऑल, लाइक चिकन 65 मंगाई थी, इट वाज यम, गुड, या और नूडल्स मंगवाया था एक, एंड बाकी फ्रेश लाइम सोडा एंड वो सब मंगवाया था, तो सब मिला के कुछ 525, राइट। तो मस्त, अभी जैसे आपने देखा हमने अभी मधुमलाई टाइगर रिजर्व एंटर कर लिया, तो अभी इसमें चलेंगे, फिर बांदीपुर एंटर करेंगे, आगे का तो पता ही है।
है ना। तो चलो थोड़ा सा आप जंगल का ड्राइव लो हमारे साथ, है ना। हाँ तो भाई साहब, मधुमलाई क्रॉस करके हम आगे हमारे कनाडा के अंदर है ना, बांदीपुर, बांदीपुर में जा रहे हैं। दम झुलसी हुई हालत है। हाँ दोनों का सिमिलर ही है, जस्ट दैट ये थोड़ा सा और ज्यादा है। हाँ ये थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे पेड़ों का हाइट थोड़ी कम है, मधुमलाई में पेड़ों का हाइट थोड़ी ज्यादा है ना। तो यहाँ से स्टिल 239 किलोमीटर 4 घंटे के आसपास मैप में दिखा रही है। अभी मे बी और 15-20 किलोमीटर में हम बाहर निकल जाएंगे, है ना, जंगल से। यहाँ से अभी मैसूर रिंग रोड टच करने में 70 किलोमीटर, रिंग रोड से होते हुए एक्सप्रेसवे, फिर तो क्या है, केक वॉक है उसके, फिर तो एकदम घड़ी। तो कोई ना, बांदीपुर क्रॉस करते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर मिलते हैं। हाँ। एंड पहुंच गए रिंग रोड के एग्जिट एंड एक्सप्रेसवे के एंट्री में। ऑल सेट टू हिट द एक्सप्रेसवे। यस, यहां से बस 2 घंटा गाड़ी। हां 2 घंटे मतलब तो हमारी चाइना तक की ड्राइव होती है। अगर वो अगर वो वाले ब्लॉग हम बनाने लगे तो हमको हम मुर्गन इटली गाना जा रहे हैं, है ना। हां वो तो हम जाते रहते हैं कभी कभार वीकेंड में मुर्गन इटली मन करा, कृष्णगिरी में है वो। यस मस्त है, बढ़िया लगता है। मावलीपुरम के ब्लॉग में हम रुके थे वहाँ पे, है ना। आप में से किसी ने सजेस्ट किया था? यस, आप लोगों ने ही सजेस्ट किया था कि उस तरफ अगर जाओ तो मुर्गन इटली, एंड इट्स रियली रियली गुड। एक बार हमने जो खाया, और उसके स्वाद ना भूल पाए। तो कोई नहीं, एक बार एक्सप्रेस वे टच करने के बाद तो बस भागना है, और कुछ काम वाम तो है नहीं। आराम आराम से 100 का स्पीड लिमिट है, लगा देंगे बिच्छू में 100 क्रूज में, आराम से बैठे रहेंगे और क्या, चलेंगे। भाई साहब हालत देखो एक्सप्रेस वे की ना, चापर ब्लॉकर भी अलग होती है। दिस इज एक्सप्रेस वे, 3-3 लेन है, और दैट इज गाड़ियों की वॉल्यूम देख रहे हो। हाँ। तो पहुंच गए हमारे फेवरेट नाइस रोड पे, नाइस रोड में। एंड एंड में काफी चौका ब्लॉकर थी, एंड देन मैसूर रोड में एक भयानक सिक एक्सीडेंट हुई थी, तो काफी टाइम टेकिंग था वहां पे, बहुत सीरियस थी बात, सीरियस था। तो एनीवे होपफुली सब सही हो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लोग थे गाड़ी में वो सेफ हो, क्योंकि गाड़ी की हालत बहुत खराब थी। तो एनीवे बस अभी तो जाके घर ही पहुंचना है, तो यहां से बस 21 किलोमीटर है ना, तो खत्म करके घर जाना है। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आती है तो फिर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, फिलहाल के लिए बाय बाय।